कोरोना संक्रमण के बीच अपने आप को स्वस्थ रखना और इम्यूनिटी को बरकरार रखना चुनौती भरा काम है। ऐसे में योग एक ऐसा सरल माध्यम है जिससे लोग आसानी से खुद को स्वस्थ और अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते योग केंद्रों पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे में अब योग केंद्र खुद ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लोगों तक पहुँच रहे हैं, इसका खासा प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। जयपुर में योग केंद्र ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लोगों को सुबह शाम योग सिखा रहे हैं। योगा क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग जब है ना हम बात करते हैं, तो नेचुरली जब हम लोग है ना कुछ इकट्ठा होकर भी अगर योगा क्लास करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप होती है। एक आदमी को मिनिमम 6 फीट बाई 6 फीट की जगह चाहिए होती है। 6 फीट का हमारा लंबाई का योगा मैट होता है और आदमी जब अपने हाथ फैलाता है तो लगभग 6 फीट की जगह उसको चाहिए होती है। ऐसी सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग नेचुरली मेंटेन होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड के इस महामारी के कारण हमें ऐसा लगा कि लोगों ने अपने स्वास्थ्य को और अच्छा करना चाहिए, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग करना चाहिए। इसके लिए हमने ऑनलाइन योगा क्लास कराने का एक आयोजन किया और हमने इसकी शुरुआत 19 मार्च 2020 को हमने कर दी और अभी इस समय तक हम 2-2.5 महीने तक खूब सारे हमने योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, खूब सारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, खूब सारे लोगों को हमने योगा कराने का प्रयास किया। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने 8,000 बच्चों को एक साथ जूम मीटिंग के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से, ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उनके माध्यम से हमने 8,000 बच्चों को एक साथ योगा क्लास कराया। कोरोना महामारी के मद्देनजर जहां भामाशाह जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं।